हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग आरबीएल बैंक लिमिटेड की यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आरबीएल बैंक लिमिटेड और ये चूंकि ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसमें फ्रेश बाइंग किस लेवल पे कर सकते हैं और किस तरीके से हमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए ताकि हमारा लॉस कम से कम हो एंड जो प्रॉफिट है मैक्सिमम हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बना सकें। तो टेक्निकल एनालिसिस होगा, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस। आप वीडियो में बने रह सकते हैं। तो अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है और इसी सपोर्ट को लेके अभी जिस मार्च मंथ का जो कैंडल है, इस तरीके का इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसने लो से काफ़ी अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन इस कैंडल की कन्फर्मेशन के लिए हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि ये जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, ये इस कैंडल का ओपनिंग जो लेवल है, ठीक है, ये यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस अभी एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद ये ऊपर गया है, ऊपर आने के बाद फिर से नीचे जाके ये ऊपर की ओर निकल रहा है। अगर इस लेवल को ये सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है, ठीक है, इस लेवल को अगर ये सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो आने वाले समय में ये तो यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड हमें एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, कभी भी किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले मैं यही चेक करता हूँ कि जो स्टॉप लॉस है वो मेरा छोटा है या नहीं है। ठीक है, अगर छोटा है और टारगेट काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है तो मैं उसमें पोजीशन बनाने के बारे में ज़रूर सोचता हूँ। तो सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री लेने का मौका बन रहा है जो कि 2 4 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक में बन सकता है, और नहीं बनता तो शेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बना तो हम लोग इसमें पोजिशन बनाएंगे। और एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा आने वाले समय में। ये जो लेवल है ये भी आने वाले समय में एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। और ये लेवल है लगभग लगभग हम लोग देखें तो 155 से लेके 156 का जोन। तो ये जो लेवल है यहाँ तक का हम लोग टारगेट अभी प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस कर देता है ये आने वाले दिनों में, तो ये जो हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 156। याद रखिए 156 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक कर देता है तो आने वाले दिनों में हमें 200 का भी लेवल इसमें काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तभी पॉसिबल है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं फिर से एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ और तो हमारी जो मेन क्वांटिटी है, ठीक है, इस शेयर में हमारी जो मेन क्वांटिटी है वो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया है इसके जब ये ब्रेक कर देगा उसके बाद ही जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है इसने मंथली टाइम फ्रेम पे, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि 2001 से ही जैन से ही ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये शेयर। तो आने वाले समय में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी मेन क्वांटिटी जानी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमारी यहाँ पे मेन क्वांटिटी चली जानी चाहिए। एज्यूम करिए आपको 100 क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन बनाना है, तो अभी हम लोग जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर अभी जो पोजीशन बनाएंगे वो 10% क्वांटिटी में बनाएंगे, क्योंकि ये शेयर ऑल टाइम लो के पास में है और यहाँ से ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी है लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसलिए ये जब कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी उसके बाद हमारा 100% क्वांटिटी जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग जो भी मैं रिस्क लेता हूँ उसका 50% ही रिस्क लूंगा स्विंग ट्रेडिंग में। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अच्छा खासा यहाँ पे फॉर्मेशन चल रहा है और ये जो जिस लेवल पे अभी जा जाके जिस लेवल को जाके ये बार बार हिट कर रहा है, ठीक है, इसको ऑलरेडी इसने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऑलरेडी इसको टेस्ट करके रखा है और यहाँ पे एक तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन भी है। तो अगर ये यहाँ से ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन ब्रेक करता है तो ये जो यहाँ पर रेंज बना है लगभग लगभग देखा जाएगा तो 135 से लेके 120 का जो रेंज है, लगभग 15 रुपीज़ का, तो अगर ऊपर 15 रुपीज़ प्लॉट कर देंगे 140 में तो 155 के आसपास का हमारा टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, तो जो हमने बताया ऊपर का जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और ये जो लेवल है जिस लेवल को ये बार बार क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये जो लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और 137 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है, हमें क्लोजिंग चाहिए 137 के ऊपर। ठीक है, 137 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तो हम लोग इसमें बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं या फिर ये जो कैंडल आज का जो कैंडल है इसके लो के नीचे लगा सकते हैं। अगर आज का कैंडल देखें तो आज के कैंडल का लो है 131,
137 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे और 130 129 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे सब लगभग लगभग हमारा 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर हम लोग अगर टारगेट दिख रहे हैं तो लगभग लगभग कम से कम 15 रुपीज़ हमें दिख रहा है। तो हमारा जो टारगेट भी यहाँ पे अचीवेबल दिख रहा है, और 1:2 का जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये भी बैठेगा यहाँ पे। तो अच्छी बात क्या है, अगर हम लोग इन्हें यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी में से मान लीजिए 100 क्वांटिटी मैंने पोजीशन बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब इसे टच करेगा तो 154 पे ही मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, एंड बाकी 50% क्वांटिटी स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके, ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भी लास्ट स्विंग बनाया रहेगा इसके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके बाकी का मैं होल्ड करने वाला हूँ। क्योंकि अगर इसे ब्रेक कर देता है, इसे ब्रेक करने के बाद जब ये इसे रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, तो मैं और मेन जो मेरी मेन क्वांटिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें छोड़ दूंगा, और जो बाकी 50% क्वांटिटी है वो भी इसी में रहेंगे। तो और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लास्ट स्विंग के नीचे मैं कहीं प्लेस कर दूंगा, ताकि जो भी मेरा मेन लॉन्ग टर्म के जो भी मेरे पास यहाँ पे शेयर पड़े रहेंगे उनका जो मेरा रिस्क रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पे मेरे एज अ रिस्क एक्ट करेगा, ठीक है, एज अ रिस्क एक्ट करेगा, और उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा मनी मैनेजमेंट भी बहुत सही रहेगा, और आने वाले समय में जब भी ये प्रॉफिट देगा तो फ्री प्रॉफिट रहेगा, बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट रहेगा, एंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर उसके बाद इन्वेस्ट रह सकता हूँ, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो यहाँ से जब ये ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अब फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 200, ठीक है। जो जो भी क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे रहेगी बनाऊंगा उसे मैं 200 क्वांटिटी, जब भी ये 200 के आसपास आएगा 190 के ऊपर जाएगा, मैं उसमें से 75% क्वांटिटी बुक कर लूंगा, एंड बाकी का क्वांटिटी होल्ड करके रखूंगा, 220 पे बुक करूंगा, या फिर यहाँ पे जो लास्ट स्विंग बनाएगा उसके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखूंगा, यहाँ बुक कर लूंगा। तो इस हिसाब से मेरी प्लानिंग है आरबीएल बैंक में। नो डाउट थोड़ा सा ये वीक दिख रहा था, लेकिन अभी जो इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे चार्ट पे बना है ये स्ट्रांग लग रहा है, तो हम लोग इसमें एक बार बाई कर सकते हैं और छोटा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, ताकि हम लोग को ये बड़ा प्रॉफिट दे के जाए आने वाले समय में। तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपनी एनालिसिस करने के बाद आप कितना रिस्क ले सकते हैं और इस शेयर में, ठीक है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ये एनालाइज करिए, एंड उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, व्यू अच्छे खासे जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। चलिए मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।